नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए हेल्प टू का 28 दिसंबर का यानी कि आज का शिफ्ट वन का पूरा एनालिसिस। जितने क्वेश्चन हमारे हाथ लगे हैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ और फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का। और अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री, क्यूब रूट पूछा गया था, ये एक संख्या है, यही बताई गई थी हमारे फ्रेंड द्वारा, क्या है 4356789 इसका क्यूब रूट होता है 163.32। यूनिट ऑफ इंडक्शन पूछा गया था, हेनरी इसकी यूनिट होती है जिसे डिनोट करते हैं एच से। अगला क्वेश्चन आया था एक और कि आर्टिफिशियल थ्रेड वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो आर्टिफिशियल थ्रेड होती है जो आपका धागा होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो वो किया गया था सबसे पहले हिलेरी डी चार्डोनेट द्वारा। और सबसे मतलब ये तो पहले किया गया था, इसके बाद जो सफलतापूर्वक जिन्होंने पहला एकदम सही किया था वो थे चार्ल्स फ्रेडरिक क्रॉस। तो अब आपके ऑप्शन में कौन सा आया था आप देख लेना। राजस्थान के राज्यपाल पे क्वेश्चन था, कौन है वर्तमान में, कल्याण सिंह। राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री पे क्वेश्चन आया था तो वो अभी वर्तमान में अशोक गहलोत है। मैथ्स का एक क्वेश्चन था कि 240 से 320 के बीच 13 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो वो है 7। अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर। पूर्व से पश्चिम नदियों का क्रम, तो अब जो नदियां आई थी वो हमें नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन यही था कि पूर्व से पश्चिम की ओर आपको नदियों का क्रम बताना है। तो आप देख लेना मैप के अंदर के कौन कौन सी आपकी नदियाँ पूर्व से स्टार्ट होती है, फिर पश्चिम तक कौन कौन सी नदियाँ आती रहती है। वैसे वो इसका आपके इंग्लिश में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा किला क्षेत्रफल वाइज चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, तो वह है जैसलमेरी नस्ल, ये सबसे ज़्यादा ऊन देती है। इसके बाद गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में होता है गंगानगर में। राजस्थान में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा गेहूँ, गंगानगर में। अगला क्वेश्चन, 1 से 7 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है 20, ये आप निकाल सकते हो, ये बड़े ईजी क्वेश्चन है। आगे RCDF का फुल फॉर्म पूछा गया था, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। मत्स्य त्यौहार मनाया जाता है अलवर में, कब मनाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर माह में मनाया जाता है। आना सागर झील है अजमेर में। पशुपालन विभाग के विभाग से एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है क्या था, तो आप देख लेना, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य दक्षिण पश्चिम में किस राज्य से घिरा हुआ है, तो दक्षिण पश्चिम में एक ही राज्य पड़ता है, वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है, जयपुर में, और सबसे कम अगर पूछे तो वो है जैसलमेर में। मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कार्य समय और कार्य पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन, राठी गाय कौन से जिलों में पाई जाती है, तो आपके जो भी ऑप्शन से देख लेना, वैसे इन जिलों में पाई जाती है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर। कुछ क्वेश्चन थे कर्मवाच्य के, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और गीता लेख लिखेगी, तो ये क्वेश्चन आए थे कर्मवाच्य के। विलोम आए थे मृत के, मिलन के और विष के। मुहावरे थे छक्के छुड़ाना और दांतों तले उंगली दबाना। पर्यायवाची आया था सूर्य का। एक आया था पांडा बांध, ये है दोस्तों उड़ीसा में, तो ये आप सोच सकते हो कि इंडिया जीके का आपका एक क्वेश्चन बन गया है। तो आपके करंट के और इंडिया जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिनका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम है वो प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएँ। और दोस्तों जिसे भी और क्वेश्चंस पता हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।